स्टार्टिंग में हमें शॉप को दिखाया गया जो कि वहां पर आ गया होता है। एंड इस चीज को देखते हुए ली फिन एंड हैनली मन में कहते कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद ली फिन उसके सामने झुकता है, विकॉन नमस्ते करता है, जिस पर वो कहता है एल्डर्स आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। एंड एल्डर्स भी इस रिएक्शन ऐसा देते हैं कि ली फिन देखकर और हमारा हैनली देखकर ये समझ जाते हैं कि ये रिएक्शन कुछ गड़बड़ का संकेत है, इसलिए वो पीछे हटने लगता है। एंड इसी के साथ ली फिन भी दोनों मास्टर्स को दिखाया गया है या फिर दोनों एल्डर्स को जो कि उस जगह पर पहुंचते हैं एंड इनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, आज क्यूजिंग आइलैंड पर एक सेरेमनी हो रही है। कहता है अच्छा स्टार पैलेस पे, तुम्हारा महान स्टार पैलेस, तुम दोनों की तरह कचरा ही है और इस चीज़ का मुझे कोई कम नहीं कि मैंने इसे रोक दिया। सब लोगों को रिजेक्ट देते हो तुम लोग, है ना। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है यहाँ का कंट्रोलर एंड बाकी चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग के सभी लोग अपने मतलब की बात करते हैं। एंड इसके बाद ये कहता है कि ये सब आज तुम रहने दो, हम इसके बारे में कल डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहता वो। वो काज कहता है कि अब तो तुम सब जाओगे, मरोगे यहीं पर, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। तुम खुद हार चुके हो, मेरे से हार चुके हो, खुद से हार चुके हो। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया कि इन दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है एंड इस छोटी सी फाइट काफी धमाकेदार होती है। तो एक चीज और दिखाई गई है कि ये जो बंदा है जो कि यहाँ का लीडर बन तो नहीं है लेकिन एक लीडर की तरह ही यहाँ पर आता है, वो ये कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इनके बीच में जो फाइट हो रही होती है तो पता चलता है कि इस बंदे की स्पेशलिटी ये है कि ये वायलिन एंड फ्लूट बजा सकता है जिसके थ्रू ये अटैक करता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था। अभी उसकी नजर जाती है कि एक लीडर ने दूसरे मतलब जो अनाउंसर होते हैं उन्हें मार दिया होता है एल्डर ने, तो पता चलता है कि ओल्ड घोस्ट नाम है जो जिस एल्डर ने उन्हें मारा है एंड वो कहता है कि तुम्हें तो मरना ही था। एंड ये लोग काफी लंबे समय से प्रैक्टिशनर भी थे, एक दूसरे के साथ दोस्ती भी चल रही थी इनकी, लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो बंदा जो है ओल्ड घोस्ट वो इन्हीं का डीमंस का साथ दे रहा है। एंड इसके बाद उसे नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है एंड वो मर चुका था। यहाँ पर हमें दिखाया गया वो कहता है कि ठीक है, तो अब मतलब ये जो सैनिक लगी हुई है इनकी झकमार आ रही थी पता नहीं क्या, जब वो बंदा मर गया उसके बाद ये लोग एक्टिवेट होकर फाइट करने के लिए आए, लेकिन एल्डर इनकी भी फाड़ के रख देता है। एंड इनके बीच से जितने भी सैनिक होते हैं वो टूट के निकलते हैं। एंड सैनिक का मतलब ये था कि जो डीमोनिक सैनिक है डीमंस के जो साथी हैं वो वहाँ से निकलते हैं एंड वो फाइट कर रहे होते हैं। सभी के सभी मेंबर्स देखते हैं, ये देखते हैं कि हैनली एंड ली फिन वहाँ से भाग चुके हैं, तो लेडी वैंग जो होती है वो कहती है यहाँ से हमें भी निकलना चाहिए। तभी इसकी नज़र पड़ जाती है एंड वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए यहाँ से भागने की। वो हुक्म देता है कि इन वॉरियर्स को पकड़ लो, लेकिन वो जब ध्यान देता है तो उसमें से दो वॉरियर कम होते हैं, यानी ली फिन एंड हैनली वहाँ पर से भाग चुके होते हैं, जिस पर वो कहते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको पकड़ लो। यहाँ पर हमें दिखाया गया नाइनर एंड उसकी मॉम डैड को जो कि वहीं पर खड़े होते हैं फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि स्पून मैन के बारे में पूछा जाता है, एंड स्पून मैन कोई और नहीं बैंग है जो कि हमें दिखा था। एंड ओल्ड घोस्ट जो होते हैं उसे मैसेज कन्वे करते हैं एंड यही है बंदा जो कि अटैक कर रहा था एंड वो हैनली का दोस्त भी अच्छा बना हुआ था। जिसके बाद वो वहाँ के एक क्रिस्टल को निकाल लेता है या फिर ऑर्क को जो इसके अंदर से पावर निकल रही थी, उस ऑर्क को निकालते ही वहाँ पे एक छोटी सी स्टेज क्रिएट होती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया गया एक छोटा सा तालिस्मान टाइप की कोई चीज़ होती है जिसे वो रखता है एंड सारी की सारी पावर जो होती है वो ब्लू से वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है, यानी कि डिमोनिक कलर में चेंज हो चुकी है, ऐसा हमें दिखाया गया है। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उससे जो अब एनर्जी निकल रही है वो ब्लू नहीं वॉयलेट रेस की है। एंड इसके बाद एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जब हैनली और बाकी सब लोग भाग रहे होते हैं तो वो शील्ड वहाँ पर आ जाती है जिसकी वजह से हैनली अब वहाँ पर आगे नहीं जा सकता। ली फिन एंड बाकी दोनों लोग वापस लौटते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया इन सभी मेंबर्स को जो कि फाइट कर रहे होते हैं एंड वहाँ के लोगों को पकड़ रहे होते हैं, जिस पर वो दोनों वापस से उड़ कर जाता है, यानी नाइनर के डैड जो होते हैं उड़ कर जाते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम ये सब मत करो, ये सब कुछ बुरा है, ऐसा करने से तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जिस पर वो कहता है कि नहीं, वैंग तो काफ़ी समय पहले ही मर चुका है। एंड ये कहता है वैंग हमारे साथ था, तुम्हें ये सब क्यों भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि आइलैंड एक कचरा है और कुछ भी नहीं, और जो तुम सोच रहे हो कि मास्टर वैंग रियली काफ़ी स्मार्ट है, वो कब के मर चुके हैं। एक्चुअली में ये जो ओल्ड घोस्ट है एक्चुअली में उसके अंदर जो मेंबर है मतलब टोटली वो बंदा बदल चुका है अभी। इसके लिए वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम ऐसा मत कहो, है ना वैंग।
लेकिन इनके बीच में फाइट होती है एंड यहाँ पे हमें दिखाया गया नाइनर के जो डैड होते हैं वो वापस ही गिर जाते हैं जहाँ पे उनकी बीवी उन्हें संभालती है। ये समझ चुके थे इस गेम मोमेंट डैड कि अब हमें फाइट करना ही होगा, हम मर जाएंगे। तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ये कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड करना अपनी, एंड यहाँ से उसे जाने के लिए कहते हैं। नाइनर अब इस बंदी शाओ की तरफ देखती है एंड अपने ब्रेसलेट को पिकअप करती है या फिर टच करती है, जिसके बाद ये वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया गया इस बंदे को जो कि कहता है कि तुम इस मैजिक आर्टिफैक्ट के थ्रू भाग तो सकती हो लेकिन इस शील्ड के बाहर नहीं जा सकती हो। इसके बाद ये दोनों मतलब नाइनर के डैड एंड मॉम जो होते हैं वो फाइट करने के लिए बाहर की तरफ आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें दिखाया गया है सीनियर फैंग को जो कि वहाँ पर आते हैं एंड इस चीज़ को देखने के बाद इनके होश उड़ जाते हैं कि सीनियर फैंग भी यहीं पर हैं। जिसके बाद सीनियर फैंग जो होते हैं वो अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि सीनियर लेई पैंग जो होते हैं वो अब उठ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये दोनों जो भाग रहे थे काफ़ी लंबे वक्त से, तभी हैनरी जब और लेफिन भाग रहे होते हैं उस टाइम पे एक पोर्टल खुलता है जिससे नाइनर नीचे की तरफ गिरती है एंड यहाँ पे हैनरी उसे बचा लेता है। उसके पीछे चार मुस्टंडे भी लगे थे क्योंकि हमारे शाओ भाई ने इन्हें भेजा था। तो लियोफिन एक छोटी सी शील्ड क्रिएट करता है जिस पर अटैक नहीं लगे हैनली एंड उस लड़की नाइनर को। लियोफिन भी भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कल मुझे मिले थे, ऐसा नाइनर उसे कहती है। एंड वो कहती है कि तुम ज़्यादा ऑफेंड मत हो। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया कि हैनली वहाँ से निकल जाता है लियोफिन को ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर फाइट करो। जिसके बाद हमें लियोफिन को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर अपने डीमोनिक सॉर्ड को निकालता है एंड फाइट करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर फाइट चलने के बाद यहाँ पे जो सैनिक होती है उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में बच्चा यानी कि हैनली ही असली मास्टर है, लियोफिन उसका एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट टाइप का है जो कि अभी तक उनसे फाइट कर रहा था। उन्हें जब बात पता चलती है तब तक वो मर चुके थे। इसके बाद हमें दिखाया गया हैनली को जो कि नाइनर के साथ आता है एक छोटे से रूम की तरफ एंड वो कदमों के निशान देखता है जो कि सिर्फ गए होते हैं लौटे नहीं होते हैं। इसका मतलब इसके इस पार अगले दूसरी तरफ कोई दरवाज़ा है एंड वो दरवाजे को ढूंढने लगते हैं एंड एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें एंड साथ ही जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि फुल मेटल एल्केमिस्ट की लाइव एक्शन मूवी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हुई वाली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।